जमाने में गांवों और देहातों का खेल माने जाने वाली कबड्डी आज अंतर्राष्ट्रीय खेल बन चुका है। दिल्ली में सरकार के साथ मिलकर स्टार स्पोर्ट्स जैसे बड़े संस्थान कबड्डी में नई प्रतिभाओं को तलाशने और निखारने का काम कर रहे हैं। अरे ये देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक जमाना जब कबड्डी का खेल गांवों की कच्ची मिट्टी में खेला जाता था और ऐसा माना जाता था कि कबड्डी केवल गांव देहातों तक ही सीमित है, लेकिन आज कबड्डी नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल गेम बन चुका है और दिल्ली के बच्चे इसे बहुत शौक से खेल रहे हैं। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी टूर्नामेंट इन दिनों दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जो कि 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में स्कूल लेवल के बेस्ट कबड्डी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ये एक बेहतरीन पहल है जो दिल्ली सरकार के इंटर जोनल स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट में स्टार स्पोर्ट्स जैसे बड़े चैनल ने अपनी रुचि दिखाते हुए उसके स्तर को और भी ऊंचा कर दिया है। स्टार स्पोर्ट्स की हेल्प से हमने पहली बार जो हमारी ये जो मैचेस हैं ये इस तरीके का आप जो मैच देख रहे हैं इन मैच पर हो रहे हैं, बिकॉज अब ये गेम जो है एक इंडिजिनस गेम की तरह नहीं रह गया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर भी कबड्डी अब एक स्पोर्ट्स की तरह खेले जा रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा हमारे बच्चों को भी उस तरीके की जो है ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ये एक पहला प्रयास है। आज कबड्डी को इंटरनेशनल खेल का दर्जा प्राप्त है और स्कूल लेवल पर उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। स्टार स्पोर्ट्स ने दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर एक काम को अंजाम दिया है ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले और कबड्डी के खेल को स्कूल लेवल पर एक मुकाम। मेरा नाम दीपांशु डबास है, हम यही छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। मुकेश सर हमारे कोच है और अब पहले तो ये मिट्टी पे गेम था पर अब मैट पे हो गया है, इससे हमें वो बहुत प्रमोट मिल रहा है। अब नेशनल लेवल पे थी फिर एशिया पे हुई, अब प्रो भी आ रखी है, इससे हमें मतलब और इसमें अपना फ्यूचर दिख रहा है।